मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो का। दोस्तों, आज मैं आपके साथ वेनिला आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। केवल दूध और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ ही हम इस वेनिला आइसक्रीम को बनाने वाले हैं। जितनी सुंदर ये दिखने में है, खाने में ये उतनी ही टेस्टी है, उतनी ही सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम है। तो इसे बनाने के लिए दोस्तों, हाफ लीटर दूध लिया है मैंने, साथ ही मैंने वेनिला कस्टर्ड लिया है। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है आपके पास तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। 50 ग्राम यहाँ मैंने शक्कर ली है, और कस्टर्ड पाउडर मान लीजिए आपके पास आज नहीं है दोस्तों, तो आपको लेना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ही ले लिया है, कस्टर्ड पाउडर को मैंने अलग हटा दिया है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे वेनिला एसेंस, तो हमारी वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। तो दूध को गर्म करने से पहले आप इसमें से 2 चम्मच दूध निकाल लें, जिसमें कि हम कॉर्नफ्लोर को डिजॉल्व करेंगे। कभी भी उबलते हुए दूध में हमें कॉर्नफ्लोर ऐसे ही नहीं डालना है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं, लम्स आ जाते हैं। इसलिए मैंने कॉर्नफ्लोर को ठंडे दूध में घोल लिया है, और घोलने के बाद अब ये जो 1/2 लीटर मिल्क हमारा उबल रहा है उसमें आपको इस कॉर्नफ्लोर को डालना है। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक आप इसे स्लो फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से पका लें, ताकि ये जो कॉर्न स्टार्च है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। दोस्तों, यकीन मानिए ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगती है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और इस समय जब हमारे पास बहुत कम सामान है घर पर, तब के लिए तो ये आइसक्रीम बहुत ही बेस्ट है, आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। 50 ग्राम मैंने शक्कर डाली है, आप लोग थोड़ी ज़्यादा मीठी आइसक्रीम पसंद करते हैं दोस्तों तो 2 चम्मच शक्कर और भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट बनेगी दोस्तों, और साथ ही साथ जो इसकी क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो मिल्क पाउडर यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच लिया है। यदि इस समय आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध की बिल्कुल ताज़ी मलाई आप इसमें डाल सकते हैं, मतलब आधा कटोरी के करीब आप मलाई ज़रूर डालें, तो ही हमारी आइसक्रीम बढ़िया मलाईदार बनेगी। परंतु मैं मलाई नहीं डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच दूध पाउडर को अच्छी तरह से दूध में घोल लिया है और इस उबलते दूध में डाला है। अब आप देख सकते हैं आइसक्रीम का जो हमारा मिक्सचर है बढ़िया अच्छा थिक हो चुका है, और अब इसमें हमें डालना है 1/2 टीस्पून हमें डालना वेनिला एसेंस। और यदि आप वेनिला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करें दोस्तों, तब तो आपको वेनिला एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु इस समय सबके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं होगा दोस्तों, इसलिए मैंने आज आपको ये आइसक्रीम कॉर्नफ्लोर से बताई है। तो बस ये आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया, बढ़िया इसे अब हम पॉट में डालेंगे। अच्छा टाइट ढक्कन वाला डब्बा होना चाहिए ताकि आइस क्रिस्टल ना आने पाए। तो सभी आइसक्रीम के मिक्सचर को इसमें डाल दिया है, अब इसे मैं फ्रीज़र में कम से कम 5 से 6 घंटे रखूंगी। पूरे 6 घंटे के बाद की शूटिंग है, आप देख सकते हैं आइसक्रीम खूब अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब चाकू की मदद से आप आइसक्रीम को थोड़ा छोटे टुकड़ों में काट लें, क्योंकि अब हमें इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर बढ़िया अच्छा इसे फेंटना है। आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर से फेंटें, आपके पास यदि आइसक्रीम बीटर है तो आप बीटर से भी इसे फेंट सकते हैं, परंतु आइसक्रीम बीटर, हैंड ब्लेंडर सबके पास नहीं होता दोस्तों, इसलिए आज मैं आपको मिक्सी के जार में ही इसे फेंटना बता रही हूँ। बस इसे हमें फेंटना बहुत अच्छे से है दोस्तों, कम से कम आप 5 से 6 मिनट तक इसे फेंटें। बीच बीच में चाहे तो मिक्सी को चलाना रोक सकते हैं। तो सभी आइसक्रीम के मिक्सर को इस ग्राइंडिंग जार में मैंने डाल लिया है, और बस अब इसे हम फेंटना शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1/2 कटोरी मलाई भी डाल सकते हैं, तो इससे हमारी आइसक्रीम और भी ज़्यादा क्रीमी बनेगी। ये ऑप्शनल है यदि आपके पास है तो। तो अब आप देख सकते हैं बढ़िया आइसक्रीम का जो मिक्सचर है बढ़िया अच्छा फिट चुका है। कम से कम मैंने इसे 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से फेंट दिया दोस्तों, परंतु आज मैं इसमें मलाई भी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपके पास यदि मलाई नहीं है तो ना डालें, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है। तो ये देखिए, बस अब इस आइसक्रीम के मिक्सचर को आपको बढ़िया किसी भी डब्बे में डालकर सेट करने रखना है।
आइसक्रीम को फेंटना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, जितना अच्छा हम उसे फेंटते हैं तो आइसक्रीम में यदि थोड़े बहुत भी जो आइस क्रिस्टल होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से फिट जाते हैं, फेंटने में आ जाते हैं और फिर वो खाते समय मुंह में नहीं आते हैं। फेंटने से ही हमारी आइसक्रीम क्रीमी और सॉफ्ट होती है। और बढ़िया अच्छा टाइट ढक्कन होना चाहिए। यदि आपका जो ये जो पॉट है, मान लीजिए ढक्कन टाइट नहीं है दोस्तों, तो आप इसके ऊपर क्लिंग रैप लगाएं, एल्यूमिनियम फॉइल से इस डब्बे को कवर करें। परंतु यदि एयर टाइट कंटेनर है दोस्तों, तो आपको क्लिंग रैप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप देख सकते हैं हमारी वेनिला आइसक्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बनी है, ये देखें। तो बस इसे स्कूप आउट कर रही हूँ, आप इसके टेक्सचर से अंदाज लगा सकते हैं दोस्तों। जितनी खूबसूरत दिखने में लग रही है, खाने में यकीन मानिए दोस्तों उतनी ही अच्छी बनी है हमारी आइसक्रीम। अब आप चाहें तो इसमें अपने पसंद के कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, कोई जेली हो आपके पास तो आप जेली डाल सकते हैं। किसी भी तरह से इस आइसक्रीम को अब आप डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बारीक कटा पिस्ता डाला है। तो दोस्तों इस आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।